जन्माष्टमी की भीड़ के चलते कोई भी हादसा कहीं भी हो सकता है, लेकिन बस दुआ यही रहती है कि किसी की जान को खतरा ना हो। ऐसी एक खबर फतेहपुर से है, जहां शनिवार शाम फतेहपुर से लापता दो लड़कों को पुलिस ने भरमाड़ में बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि साहिल पुत्र सुभाष और अभिषेक पुत्र देवराज निवासी फतेहपुर जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में झांकियां देखने घर से निकले थे। झांकियां खत्म होने के काफी देर बाद तक वह घर लौटे ही नहीं तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू कर दी, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं लगा। इसके बाद परिजन पुलिस स्टेशन फतेहपुर पहुंचे और मामले की शिकायत दर्ज की। प्रदेश में आजकल बच्चा चोर गिरोह की फैल रही अफवाह के चलते पुलिस ने मामले को बड़ी ही गंभीरता से लेते हुए लापता बच्चों की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी और कांगड़ा के सभी थाना के SHO को अलर्ट पर रख दिया। DSP देहरा और DSP नूरपुर ने संयुक्त रूप से लड़कों की तलाश का जिम्मा संभाला था। पुलिस सरगर्मियों से लड़कों की तलाश शुरू कर रही थी, वहीं पड़ोसी राज्यों के थानों में भी डिटेल भेजी गई थी। पुलिस के प्रयासों के बाद लड़के रविवार सुबह भरमाड़ से मिले। लड़कों के मिलने के बाद परिजनों ने राहत की सांस ली है। वहीं बच्चों ने खुलासा किया कि वे घर से घूमने के लिए भरमाड़ शिब्बो थान मंदिर में गए और वहां से रेलगाड़ी में चढ़कर पठानकोट चले गए थे और सुबह फिर पठानकोट से वापस भरमाड़ आए। शाम से फतेहपुर के दो बच्चे लापता होते, अभी सुबह भरमाड़ में मिले, तो कैसे कैसे ये इनको ढूंढने में पुलिस को कामयाबी मिली है? जैसे ही थाना फतेहपुर में बच्चों के गुम होने की सूचना प्राप्त हुई थी, उसी समय थाना फतेहपुर की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया, जिसमें नूरपुर ज्वारी थाना देहरा के पुलिस इन्वॉल्व हो गई तथा बच्चों की तलाश के लिए सारी रात सर्च ऑपरेशन चलता रहा। सुबह इनके भरमाड़ में शिबो थान में होने की सूचना मिली, जिस पर SHO के नेतृत्व में टीम ने जाके इनको वहाँ से बरामद कर लिया है और जिनका मेडिकल करवाया जा रहा है और तो इनको इसके बाद इनके माता पिता के हवाले कर दिया गया। तो इस पे पुलिस की तरफ ये आगे से कोई कार्रवाई, बच्चे जैसे कैसे कैसे कहाँ पहुँचे हैं, कोई ऐसी तफ्तीश लाई जाएगी? बच्चे घूमने के इरादे से कल झांकियों में से बस लेकर के रहन होकर के शिबो थान चले गए थे। हो सकता है वहाँ से ये कहीं और भी घूमने जाते, लेकिन इससे पहले ही इनकी सूचना पुलिस को मिल गई थी। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी और इनकी तलाश के लिए दिन रात एक कर दिया था। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाए।